नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया टॉप 10 खबरों की ओर रुख करने का, तो शुरू करते हैं टॉप 10 खबरों का सिलसिला। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सूबे में पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे 5 चुनावी रैलियां। राहुल गांधी का बड़ा बयान, मुझे नहीं लगता निष्पक्ष चुनाव में बीजेपी 246 के आसपास पहुंचती। यूपी शिक्षक भर्ती मामले पर बोली मायावती, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ ना हो अन्याय। वर्जीनिया के ऑर्डनन में बोले राहुल गांधी, चुनाव के बाद अब खत्म हो गया है डर। शिवराज सिंह चौहान ने कहा विदेश में देश की छवि खराब कर रहे राहुल गांधी, ऐसा करना देशद्रोह। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज करेंगे नामांकन। चंडीगढ़ में पंजाब सरकार की नीतियों के खिलाफ आज से एसएडी का धरना प्रदर्शन होगा शुरू। आज से कार्यकर्ता संवाद पर निकलेंगे तेजस्वी यादव, समस्तीपुर से होगी यात्रा की शुरुआत। एस जयशंकर बोले गाजा की स्थिति सबसे बड़ी चिंता, भारत चाहता है जल्द से जल्द हो युद्ध विराम। जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की तीसरी सूची, 19 उम्मीदवार मैदान में उतारे। फिलहाल टॉप 10 खबरों में इतना ही, देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।